हेलो मेरे परदेसी भाई, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो छुट्टी जाना चाहते हैं या फिर जो छुट्टी जाने के लिए अपना जो एप्लीकेशन डाले हुए हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनका छुट्टी लगा है या नहीं लगा। तो आप आसानी से जो है अपना पता कर सकते हैं कि आपका छुट्टी लगा है कि नहीं लगा, कितने दिन का लगा है, किस डेट में लगा है, किस डेट में आपको रिटर्न आना है, कितने दिन का आपका लगा है और आपका छुट्टी का पेपर कैसे डाउनलोड करना है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा कैसे आप अपना सब चीज़ चेक कर सकते हैं और छुट्टी का पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को देख के आसानी से जो अपने छुट्टी का पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं और पूरा फुल डिटेल्स अपने छुट्टी के बारे में पता भी कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करते रहता हूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोग के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का मालूम हो। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। चलिए क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सीधा लिख देना है मुकीम। चलिए मुकीम लिख देते हैं। मुकीम लिखने के बाद स्पेस देना है, उसका लिखना है पोर्टल। चलिए पोर्टल लिख देते हैं। पोर्टल लिखने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर लेना। चलिए सर्च पे भी क्लिक कर लेते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है मुकीम पोर्टल, ये यही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे चलिए इस वेबसाइट को क्लिक कर लेते हैं। चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा चीज़ जो है अरबी में है, इसको इंग्लिश में कैसे करना है। तो ऊपर में देख सकते हैं इंग्लिश लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन हमारे जो काम का चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ कौन सा ऑप्शन है। इसे हम सिंपली जो है जूम कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको कहाँ पर छुट्टी का पेपर मिलेगा। तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ। ये मैंने जूम कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं वीज़ा वैलिडिटी का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको दे रहा है, एक आमा नंबर और वीज़ा नंबर। तो वीज़ा नंबर आपको ना भी पता हो तो भी चलेगा, आप अपने एक आमा नंबर से भी चेक कर सकते हैं। तो मुझे मेरा आमा नंबर पता है इसलिए मैं एक आमा नंबर से चेक कर लेता हूँ। अगर आपको वीज़ा नंबर पता है तो अच्छी बात है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक आमा नंबर को हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिकिंग करने के बाद नीचे में देख सकते हैं आमा नंबर, तो एक आमा नंबर आपको फिल कर लेना। चलिए मैं अपना फिल कर लेता हूँ। चलिए इसे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद नीचे में देख सकते हैं वीज़ा नंबर है। वीज़ा नंबर पर आप क्लिक करके सिंपली जो है पासपोर्ट नंबर या डेट ऑफ बर्थ से भी चेक कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट्स आपका इकामा नंबर का पता हो तो उससे भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप जो है वीज़ा एक्सपायरी डेट से भी पता कर सकते हैं, आप अपने नेम से भी पता कर सकते हैं। लेकिन मैं जो सबसे अच्छा बताऊंगा, आप या तो पासपोर्ट नंबर से चेक कर लिया तो फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ अच्छे से पता हो जो आपके इकामे पे है उससे आप चेक कर ले। तो मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ पता है इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ का जो है ऑप्शन आ गया है, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। तो कैलेंडर के यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कॉर्नर में छोटा सा कैलेंडर बना हुआ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर में देखते हैं 2023 लिखा है यानी 2023 लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करके जो आप अपना ईयर चूज़ कर लें जिस साल में आप पैदा हुए थे, तो मैं अपना ईयर यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बगल में देख सकते हैं नवंबर लिखा हुआ यानी इस पर आपका मंथ शो करेगा, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप अपना मंथ सिलेक्ट कर लें, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके नीचे में जैसे इतना सारा जो ऑप्शन आपको है इसमें आपको डेट्स सिलेक्ट करना है कि किस डेट में आप पैदा हुए थे। तो यहाँ पे मैं अपना डिलीट डेट जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। उसके चेक पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए चेक पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपायरेड लिखे हुए, यानी कि मैं जो है अपना छुट्टी हो के आ चुका हूँ इसलिए यहाँ पे एक्सपायरेड लिखा हुआ। अगर आपका छुट्टी लगा होगा तो यहाँ पे जो सिंपली एक्टिव लिख देगा, अगर नहीं लगा होगा तो यहाँ पे एक्सपायरेड यानी कि पिछले जो आप छुट्टी गए थे वो आपको यहाँ पे बताएगा। अगर आप नया नया आपका कोई छुट्टी लगाया है आपको नहीं पता तो यहाँ पे एक्टिव लिखेगा, अगर आपका पहले से कोई छुट्टी आपका नहीं लगाया हुआ तो यहाँ पे एक्सपायर्ड लिखेगा, यानी कि पहले आप जो छुट्टी गए थे वो छुट्टी यहाँ पे शो करेगा। तो ये बात को आप समझ जाएं कि अगर पहले जो आप छुट्टी गए थे तो वो आपको यहाँ पे एक्सपायर्ड शो करेगा, और आपका नया नया अभी कोई छुट्टी लगा है तो वो यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा यानी कि आपका छुट्टी लग गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सपायर्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस पेपर को डाउनलोड भी कैसे करना। तो यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल्स चेक कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं वीज़ा ड्यूरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे वीज़ा टाइप मिलेगा आपको,
तो आप कब इन साइड में हैं कि आउट साइड में हैं, किस डेट में आपको जाना है, किस डेट में आपको आना है, यहाँ पे सारा चीज़ आपको शो करेगा इंग्लिश में भी और हिजरी में भी, और यहाँ पे नीचे में आपका डेट ऑफ बर्थ भी शो करेगा। तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपका किस डेट में छुट्टी लगा है, किस डेट में आपको आना है, कितने दिन का छुट्टी लगा है, सारा चीज़ यहाँ पर शो करेगा जिस तरीके से यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पर सारा चीज़ चेक करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पे एक बार जो है अच्छे से अपना सिस्टम को चेक कर लें, यानी कि अपने जो पेपर को है अच्छे से चेक कर लें। अगर आपको आपका छुट्टी लगा हुआ तो यहाँ पे इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब इसको जो है डाउनलोड कैसे करना, तो ऊपर में देख सकते हैं थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पर आपको जो है क्लिक कर लेना है। तो थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे में देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका छुट्टी का पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे पीडीएफ में तैयार हो गया है। सेव का ऑप्शन ऊपर आपको दिखता होगा, आपको सेव के ऑप्शन पे सिंपली जो है कुछ नहीं करना, क्लिक कर लेना। चलिए सेव के ऑप्शन पे भी हम लोग क्लिक कर लेते हैं चेक करने के बाद। चलिए सेव पर क्लिक कर लेते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपसे जो है आपका फाइल बनानी, यानी फाइल नेम बोल लेगा क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली जो है आपको क्या करना है कि अपना जो फाइल नेम, जिस नाम से आप फाइल बनाना चाहते हैं, जिस नाम से फाइल्स को सेव करना है वो सेव कर लें। तो यहाँ पे मैं अपने ही नाम से जो है छुट्टी का पेपर सिंपली जो है लिख देता हूँ। तो छुट्टी का पेपर लिख करके यानी बगल में देख सकते हैं सेव का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना। अब ये आपका पेपर जो है डाउनलोड हो गया। अब इसे आपको मिलेगा कहाँ से, तो आपको सिंपली क्या करना है, बैक हो जाना। बैक होने के बाद आप अपने जो है प्रोफाइल यानी कि मोबाइल में चले जाएँ, और फाइल मैनेजर का ऑप्शन होगा आपके मोबाइल में भी, आपको सिंपली फाइल मैनेजर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। चलिए क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे सेम आप ही आपका ही शो करे, यानी सब मोबाइल में सेम सिस्टम होता है, इसलिए आप कंफ्यूजन ना हो कि इसमें मेरे में नहीं शो करेगा, सब में सेम सिस्टम होता है फाइल मैनेजर का। आप फाइल मैनेजर ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, आपके मोबाइल में भी डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन शो करेगा, तो डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लें। तब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में छुट्टी का पेपर पीडीएफ फाइल मेरा यहाँ पर शो कर रहा है, सिंपली जो है मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में पीडीएफ व्यूअर, पीडीएफ ड्राइवर, यानी कि इस पर ही आपको चेक करने को मिलेगा, यानी कि पीडीएफ जो चेक करने के लिए आपको एक पीडीएफ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। वो आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वो उसमें बहुत सारा है, कोई भी इंस्टॉल कर लेंगे आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर है आपका तो अच्छी बात है। तो सिंपली जो है मैं पीडीएफ व्यूअर पर क्लिक कर लेता हूँ। चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये छुट्टी का पेपर यहाँ पर मेरा डाउनलोड भी हो गया और मैंने प्रिंट भी कर लिया है। इस तरीके से जो है आप अपना चेक कर लें, चेक करके अपना रख लें। आपको एयरपोर्ट पे जाने के बाद इसको दिखा के आसानी से जो आप ये एयरपोर्ट से आना जाना कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगा। इस तरीके से जो है आप अपने छुट्टी का पेपर चेक कर सकते हैं, और आप अपना ही नहीं किसी का भी छुट्टी का पेपर इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और किसी का भी छुट्टी का पेपर का डेट, आने जाने का टाइमिंग, किस डेट में जाना है, किस डेट में आना है, कितने दिन का वीज़ा का ड्यूरेशन है, सारा चीज़ जो है पता कर सकते हैं एक ही क्लिक में। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दे करके एक नोटिफिकेशन और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए